किस्म की मुखबरी है आपकी? डिश डिश स्टाइलिश डिश डिश स्टाइलिश लग रही है। ऐसी आला मुखबरियां तो मैं सुनाऊंगा और साथ शर्मिंदा भी होऊंगा कि यार क्या हो रहा है हमारे यहाँ। लो जी ये जो तड़ा ताड़ा आप चैनलों पे देख रहे हैं कि पुलिसों ने डंडे निकाले हुए आंसू गैस फेंके जा रहे हैं। सॉरी यार नहीं नहीं खांगलो खांगलो यार भाई खांसी अगले सेगमेंट में मैं सुना लूंगा आपका भाई वाकई सीरियसली यार यार तुमने मेरी बात में खांसना होता है अपनी बात में तुम्हें जरा सी खांसी नहीं आती। इसमें मेरा कोई कसूर है कि मुझे खांसी आ गई है? मैंने साड़ी चाहते हो तुम मेरी मुखबरियों से? ऐसा नक्शा बनाया था मैंने। हाय 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 ओए वाया ये अभी तो मुखबरी तेरे मुंह से निकली नहीं तो तेरे दुश्मनों को खंगे लग गई। अरे यार लो जनाब ये जो हम देख रहे हैं जनाब ये जो लियारी का ऑपरेशन हो रहा है और तड़ा तड़ मीडिया पे दिखाया जा रहा है आंसू गैस फेरने पुलिस की हलालला और टॉप पहने हुए और वो छज्जे उठाए हुए, असल में मुखबर मेरा ये बताता है कि भाई जी जहाँ पे असल क्रिमिनल लोग बैठे हुए हैं ना लियारी में, ये पुलिस उधर जा ही नहीं रही है। हाँ जी वो लोग जो कराची से पता वसूल करते हैं वहां तक ये लोग पहुंच ही नहीं रहे और वो लियारी के अंदर ही बैठे हुए हैं। चूंकि मुखबर मेरा ये कहता है मुबैना तौर पर पुलिस को भी उधर से पता मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही होगा, वरना मेरा ख्याल है कि कोई गिरोह या माफिया इतना ताकतवर और मजबूत नहीं है कि वो स्टेट के खिलाफ खड़ा हो सके। भाई जी आपकी गवाही की कोई जरूरत थी? मेरे मुखबर ने एक बात बता दी है, छोड़ दो इसका खहरा। मेरा मुखबर भी यही काम करता है, वो को लून वाले पापड़ नहीं बेचता। अच्छा करो यार डिश। दूसरी मुखबरी ये है कि सदर पाकिस्तान जनाब आसफ अली यरदारी साहब ने कल एक अजलास की सदारत की है। इस मीट टंग में, वैसे मैं क्लियर कर दूं कि टंग चार किस्म की होती है, एक मीट टंग होती है, एक बंदे की टंग होती है, एक मुंह में टंग होती है और एक कपड़े टंग होती है। मगर चूंकि ये मीट टंग थी इसमें जनाब उनको लॉ एंड ऑर्डर के मतलब ब्रीफ किया गया कि जनाबे वाला ये जो स्ट्रीट क्राइम और ये अगवा बराए तावान और ये जो जुराइम है जितने भी कराची के अंदर, ये 15 फीट टंग नहीं अपना फीसद बढ़ गए हुए हैं। जिस पर सदर साहब ने शदीद गुस्से का इहार किया और उन्होंने आईजी साहबान को ऑर्डर किया कि देखो छुट्टी हो जाएगी आपकी, फौरन से पहले इनको ठीक करो। अब मुखबरी होती है शुरू यहां से। मुखबर मेरा ये बताता है कि भाई जी सदर साहब को तो 15% बताया गया है, ये रहा लपेट लपूट के बीच में से छंड छुट के, जैसे मूली के पत्र पुत्र नहीं उतार देते वो बिल्कुल छोटी हो जाती। मुखबर मेरा कहता है कि असल में ये 40% बद गए हुए हैं। और जनाब जो अगली मुखबरी पेशे खिदमत है, ओहो सॉरी डिश, ये तो उस वक्त किया था डिश। लो जी अगली मुखबरी ये है जो मैं पहले भी थोड़ी सी बात आपको बता चुका हूं। नून लीग ने प्लान किया था कि इलेक्शन से पहले इमरान खान के ऊपर जातियात के तीर चलाए जाएंगे, जिसकी खबर, मेरा मुखबर तो नहीं ऐसी हरकत करता, किसी और मुखबर ने ये बात इमरान खान तक पहुंचा दी। अच्छा। कि भाई जी वो जो नून लीग वाले हैं ना, वो जो आपकी फलां बात नहीं है, वो जो कहीं राइटर ने लिख दी थी एक दफा, वो मंजरियाम पे लाने की कोशिश कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं। पहले तो सुनाया इमरान खान साहब ऐसे करके कुर्सी पे पीछे को हंसे हैं। यू उसके बाद जनाब उन्होंने मुखबर के जाने के बाद प्लान कर दिया होगा, जाहिर है वो भी यही ना आदमी है, हमें वो निका मोटा बंदा तो नहीं है। लो जी इमरान खान साहब ने नून लीग वालों को सुनिया भेजिया कि लो जनाब अगर जात याद पे तीर चला तो मैं महा तीर चलाऊंगा, हाय 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 इतने तीर चलाऊंगा कि आपको महा तीर याद आ जाएगा, क्योंकि महातीर के साथ मेरी दोस्ती भी है।
उसके बाद नून लीग के कारकुन ने परे जाके टेप रिकॉर्डर लगा दिया और गाना शुरू हो गया, और चुप कर दड़ बट जाना इश्क द फूल कलासा हो चमड़ी लथ जाओगी लथ जाओगी। अताउल्लाह ऐसा खेल भी मुखबरियां सुनाओ यार, अगर हल्का सा बीच में एंजॉय कर लेता हूं तो क्यों सड़ जाए कर लेता। लो जी डिश ओजीडीसी जिसके साथ अब एल लग चुका है लिमिटेड ओजीडीसीएल। पिछले दिनों जनाब चकवाल में इन्होंने एक फंक्शन मनाया है को तीन को दिन का को होगी मीटिंग वगैरह या फंक्शन वगैरह। उधर जनाब एक प्राइवेट कंपनी को ये खाने छाने का कैटरिंग का ठेका दिया गया। अफसराने खाना व रोटी व नान जो थे उन्होंने इसका बजट मंजूर कराया 75 लाख रुपया। मुखबर मेरा ये कहता है कि कंपनी जो थी खाने वाली जी यार ये देखो नहीं यार पचास क्या जाफरान की देखे पकाई थी क्या क्या कर रहे हो यार तुम खाने वाले लोग होते हो तुम क्या समझते हो गुजरा वाले भी खाने पे 75 लाख लगता है चकवाल में भी बड़े बड़े जवान बंदे हैं जी। लो जी 75 लाख रुपये का जब उन्होंने बजट मंजूर करा लिया उसके बाद मुखबर मेरा ये बताता है कि जिस कंपनी के साथ ये कैटरिंग का ठेका था उसको सिर्फ 5 लाख रुपया दिया गया है चूंकि बात ही 5 लाख में हुई हुई थी। माय गॉड अब 70 लाख रुपया जो है हाय 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 यार ये 75 लाख में 75 नोट होते हैं या और कोई यार हंसा ना करो यार। नाज़रीन यहाँ में ले लिए एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ये 75 लाख कट्ठा जेब में आ जाते हैं।